नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट्स, कंप्लीट तीनों के लिए करेंगे हम लोग यहाँ पे। लिखिए इन आरएलसी सर्किट इंड्यूस्ड, इन आरएलसी सर्किट अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। एंड अल्टरनेटिंग करंट इज आई इज इक्वल टू कितना था भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। चेक कर लो जल्दी से, आरएलसी सर्किट पढ़ रखा हो तो आरएलसी में फेज डिफरेंस फाइव था भाई, और ईएमएफ लीड कर रही थी करंट को बाय एंगल फाइव, तो करंट लेग बिहाइंड होगा बाय द एंगल फाइव। चेक कर लेना फाइव एंगल है ईएमएफ और आई के बीच में, और इसमें ईएमएफ लीड कर रहा होता है आई फाइव एंगल्स, तो करंट लेग बिहाइंड हो सकता है या सर नो। तो वही टर्म सारी चीज वही लिखनी है क्लास, पावर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, स्मॉल के लिए करें डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना होगा ई इंटू वाई, तो डी डब्ल्यू बराबर है कितना भाई ई पुट कर दो वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, सही लिखा है। इसको ऐसे ले सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बनी पता है लिख दीजिएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जिसको नहीं पता राइट कीजिए, ओके इसको ओपन करो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू डी टी, क्या मैंने सही लिखा क्या सर ना, मल्टीप्लाई कर दूं पूरे के साथ, ओके इतना ही फर्क है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला डाल रहे हैं या सर ना, टॉपिक तो वही है सारा, डी डब्ल्यू बराबर है भाई क्या लिख सकता हूँ ई नॉट आई नॉट कितना हो गया साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कोस फाइव या सर ना माइनस ई नॉट आई नॉट कितना साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी, चक्कर क्या सही लिखा है, देखो क्या लिखा मैंने डी डब्ल्यू बराबर है क्या लिखा है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव, सही है इंटू डी टी भी लिख दूं भाई, अब डी टी नहीं है डी टी भी आएगा इंटू डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी, बार गुणा में डी टी भी है, सारे की गुणा कर दी मैंने, सॉल्व कर लो ये आंसर आएगा, चेक करो क्या सही है। yes, अब तो क्या पूरा क्लियर वर्क करना है भाई, तो कर देते हैं इसका इंटीग्रेशंस, इतना हो गया क्लास। yes, sir. रब कर दूं। yes. लिखिए टोटल वर्क इज, टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू भी, इसका करो इंटीग्रेशंस भी, क्या वेरिएबल है टाइम वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल के हिसाब से कोस फाइव तो कॉन्स्टेंट है, फाइव का कुछ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइम का, बाहर निकाल सकते हैं।
ये वेरिएबल बन जाएगा। अब आपको पता है कि इस टाइम फिगर का नहीं हो सकता, इसको चेंज करना पड़ेगा। यस सर नो, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लूँ डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है कि एक स्टेप करूँगा। यस सर नो, ये सारे हम कर चुके हैं, इसे डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, इसमें कॉन्स्टेंट कौन कौन है? ई नॉट आई नॉट कॉस 5। यस सर नो, इंटीग्रेशन 0 से टी फुल साइकिल सीरीज की पावर के लिए क्या था? साइन स्क्वायर का क्या लिखते हैं? 1 cos 2 ωt / 2 dt। क्या मैंने सही लिखा है? पहले भी कर चुके हैं। यस सर नो, माइनस इसका भाई कांस्टेंट कौन? ई नॉट आई नॉट साइन 5 कांस्टेंट है, टाइम का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चेंज होने से, तो कांस्टेंट होती हूँ ई नॉट आई नॉट साइन 5 इंटीग्रेशन। अब देखिए अभी यहाँ पे बच गया साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, एक फार्मूला था 2 sin θ cos θ = sin 2θ। यस सर नो, पहले भी यूज किया हुआ है, डायरेक्ट यूज करूँ? इसको क्या ले सकता हूँ क्लास? साइन 2 ωt / 2, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे, फार्मूला होता है 2 sin x। ई क्या फार्मूला था भाई? साइन 2 sin θ cos θ, क्या था? साइन 2θ, इसका फार्मूला 2 नहीं हो तो यहाँ पे ले जाओ 2 को, कर लोगे sin θ cos θ भी कर लोगे। तो 2 नीचे आ गया, लिमिट क्या रखें? 0 से t इंटू डी टी। यस और नो, ये मान के चलिए 4 टॉपिक किसे आगे, 3 टॉपिक में एक साथ हैं। ओके तो सॉल्व करते हैं भाई, 2 को बाहर निकाल लूँ, कितना आएगा? ई नॉट आई नॉट कोस 5/2, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt इंडिविजिबल। यस सर नो, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, कितना आएगा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बट ऐसे नहीं दिख रहा है, 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। आपको देखें कितना याद है अभी, कितना इंटीग्रेशन कितना आता है, इसका इंटीग्रेशन कितना आता अभी? 0 आता अभी, याद है? दोबारा करने जरूरत नहीं है, अभी कर लोगे। डायरेक्ट लिखूंगा इसका, कितना आएगा? साइन आएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन 4π 0 माइनस साइन 0 0 कर लोगे। इसका कितना आएगा? कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी को टी, कॉस 4π 1 आएगा, माइनस कॉस 0 1 आएगा, 1 - 1 0, ये भी 0 जाने वाला है। यस सर नो, ये भी 0 जाने वाला है, लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 लिख दिया। दूसरा क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 करके दे सकते, 0 हो गया भाई। ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, क्या बचना है सिर्फ? ई नॉट आई नॉट कॉस 5/2 1 डी टी भाई, कितना होगा? टी 0 से टी, बाकी 0 हो गए क्लास, ठीक है। रब करते भाई को कि आसान यूनिट है, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए, इस यूनिट में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है भाई, ये कि ये थोड़ा सोचे हैं, कुछ याद मारे, कुछ रट्टा मारे, कुछ नहीं इसमें कुछ करने का भी, रट्टा मारा मुश्किल काम है एक्चुअल में भी। देखो कितना आएगा इसमें, W इज इक्वल टू भी ई नॉट आई नॉट कॉस 5, कितना हुआ भाई क्लास? टी माइनस 0, ये हो गया वर्क डन भाई। टी लिख दूँ उसको डायरेक्ट, यहाँ पर टी लिख दूँ,
अब पावर निकालना आपको, पावर इज इक्वल टू बी डब्ल्यू बाई टी, टी से टी काट दो भाई, काट दें तो पावर इज इक्वल टू कितना बचा, ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कोस फाइव बी। ओके पी इज इक्वल टू बी कितना होगा, ई नॉट बाई अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, आई नॉट बाई अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, कोस फाइव कैसे लिखा मैंने, yes, सही है, yes, ये फार्मूला क्लास, इट इज आरएमएस का फार्मूला है, yes, उसको मैंने ईवी लिखा शायद आरएमएस को, तो पावर इज इक्वल टू ईवी आईवी कॉस फाइव, ईवी आईवी कॉस फाइव, दिस इज द पावर एसोसिएटेड इन एलआरसी आरएलसी सर्किट्स भी। लिखिए भाई क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर, इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर टू अपरेंट पावर भी, इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर टू अपरेंट पावर। अब क्लास एक्चुअल पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है भी, एक्चुअल पावर क्या है, जो भी निकाला वो एक्चुअल पावर अभी, अभी निकाला है आर एल सी में ये एक्चुअल पावर अभी, और अपरेंट पावर क्या है, हम देखते हैं कि P इज इक्वल टू ई इंटू आई, वो क्या है अपरेंट पावर, हमको लगता है कि ई और आई की गुणा कर दूंगा तो ई पावर बन जाएगी भी, ऐसा नहीं है भी, क्या आएगा ई आई इंटू कॉस फाइव, ये भी ज़रूरी है भी, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमने जो लगा था कि मैं करंट और वोल्टेज की गुणा करके ही पावर निकाल सकता हूँ, सर वही आंसर रहेगा, वो गलत आंसर था भी, आंसर क्या आया एक्चुअल में ई आई ई वी आई वी इंटू कॉस फाइव, ये एक्चुअल है भी। तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या बनेगा अभी, ये एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर बाई अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर क्या क्लास, एक्चुअल पावर भी निकाली थी आई वी ई वी कॉस फाइव, और अपरेंट होती है कि आई वी और ई वी की गुणा करूंगा अभी आरएमएस की गुणा, आपको करंट दे रखा, आपको वोल्टेज दे रखा, लगता है गुणा ही कर लो आंसर हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं आएगा अभी, यस सर ना, yes, तो कट दे, क्या आंसर आया पावर फैक्टर का भी, इट इज इक्वल टू कॉस फाइव, क्या आया कॉस फाइव, और कॉस फाइव आरएलसी से निकालूं तो डायग्राम से भी, फेजर डायग्राम से क्या आएगा कॉस बेस बाई हाइपोटेमस भी आर बटे जेड भी, याद है कि नहीं है, कितना आएगा आर बाई जेड इम्पिडेंस भी, ये एक्चुअल में पावर फैक्टर है भी, समझ में आई बात है, इम्पिडेंस ट्रायंगल से निकालना पड़े तो फाई की वैल्यू भी कर लोगे, यस और नो, बस यही था व्हाट इज पावर फैक्टर्स भी। अब एक और डेफिनेशन आएगी, छोटी छोटी डेफिनेशन चल रही हैं, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, एक एम सी क्यू का क्वेश्चन अभी क्लास लिख लो, जल्दी से केस बनाइएगा, इसमें केस तो नहीं वैसे लिख लीजिए, फोर नॉन इंडक्टिव सर्किट भी, फोर नॉन इंडक्टिव सर्किट, फोर नॉन इंडक्टिव सर्किट एक्स एल बराबर है एक्स सी, एक बार हमने किया था, दो बार किया, एक बार क्या दो बार किया, एक्स एल बराबर है एक्स सी सीरीज और पैरेलल में, या सर ना, अगर XL बराबर XC हो जाए तो क्या था, Z की वैल्यू R के बराबर होगी थी दोनों कंडीशन के साथ, तो लिख सकता हूँ cos phi की वैल्यू कितनी है R by R, R by R, Z की वैल्यू R होगी थी क्लास, XL बराबर सिर्फ R square बटा अंडर रूट के अंदर भी, तो कितना वैल्यू होगा 1, तो phi का वैल्यू कितना भी, phi का वैल्यू कितना हो गया 0। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वाटलेस करंट भी क्लास, वाटलेस करंट, सिंपल सिंपल बात है भाई, वाटलेस ऐसा करंट के पास पावर ही ना हो जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करंट के पास पावर ही ना हो, करंट से ही पावर बनती है, अगर पावर जीरो हो तो ई जीरो या आई जीरो, यस और नो, देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है। ओके इन आर एल सी सर्किट भी, इन आर एल सी सर्किट
आरएलसी किया, ये करंट मान लेते हैं। अभी मैंने जो आरएलसी में आईवी और ईवी लिखा हुआ है, अभी ये कितना था, आईवी मान लेता हूँ, तो ईवी कहाँ पे होगा अभी, एट द फेज डिफरेंस फाइव, इट इज ईवी, कितने एंगल पे, फाइव, यही है जो बोल रहे हम लोग, सही है कि नहीं। रिजोल्व कीजिए ईवी को भी, सॉरी आईवी को, आईवी को रिजोल्व करो, जहाँ पे एंगल बना हुआ है अभी वहाँ पे क्या आएगा, कॉस आई वी कॉस फाइव, सही है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर भी कितना आएगा, आई वी साइन फाइव, सही लिखा मैंने भाई, ओके। अब एक पावर यहाँ पे बन सकती है, एक पावर यहाँ पे बन सकती है भाई, चेक करेंगे, यहाँ पे पावर कितना भी, यहाँ पे पावर को P1 मान लो, इस तरफ वाली पावर को, और यहाँ पे पावर कितनी है, P2 है, दो पावर बन सकती हैं, दो करंट है भाई, यस और नो। तो पहली पावर क्या बनेगी, P1 इज इक्वल टू क्लस पावर इन आरएलसी सर्किट में कितना फॉर्मूला बनता है, IV EV cos 5, यस और नो। अब देखिए अभी इस तरफ कौन कौन सी करंट है, IV cos 5, सही लिखा है, कौन सी वोल्टेज है, ईवी, कितना एंगल है, पाई का है, जीरो एंगल, दो के बीच का एंगल क्लास फाइव, याद रखिएगा, आई वी ईवी फार्मूला ये था पावर का, याद है कि नहीं है, आई वी ईवी कॉस फाइव, ये फाइव ये नहीं है क्लास, ये फाइव इनके बीच का एंगल है, सही है कि नहीं, हाँ कोस ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइव हो गया, आई वी ई वी, आई वी कोस फाइव इंटू ई वी कोस ई वी, कितने एंगल के बीच में, जीरो, कोस जीरो क्या होता है, वन, तो आंसर कितना आएगा पावर का, पी वन इज इक्वल टू आई वी ई वी कोस फाइव, वही आएगा जो था पहले, कर लोगे। अब इसके लिए पावर देखिए, पी टू पावर कितनी होगी, P2 पावर कितना वोल्टेज, कितना करंट है भाई, आई वी साइन फाइव, ओके ये तो करंट हो गया, कितनी वोल्टेज है, ई वी, यरी सॉरी यरी, ओके कितना एंगल है, कोस 90 भाई, इनके बीच में कितना एंगल है, 90, कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो जिस करंट पे पावर जीरो हुई है वो करंट का नाम क्या है, वाटलेस करंट कौन सा, फिर आई वी साइन फाइव इज द वाटलेस करंट, समझ में आया कि नहीं आया, सो लिख दो आई वी साइन फाइव इज द क्या है, ये वाटलेस करंट, भी जिस करंट पे पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वैसे जीरो होती नहीं है भाई, एक इमेजिनेशन है, कैसा हो सकता है, कर लोगे। देखो अब ये फार्मूला वो बन रहा है जो आप लोग पढ़ते हैं पावर को, पावर क्या पढ़ते हैं, E इंटू आई, आपको लगता है कि करंट की वैल्यू नॉन जीरो, वोल्टेज की वैल्यू नॉन जीरो, तो पावर जीरो नहीं हो सकती, हो सकती है भाई, एक फाइव ही आएगा बीच में, चेक करेंगे ना बीच में एंगल कितना है, पॉसिबिलिटी है पावर जीरो कब होगी, या तो ई जीरो या आई जीरो, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, फिर भी पावर जीरो हो सकती है भाई, जिस कंडीशन में पावर जीरो हो जाए तो जो करंट यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, वो वाटरलेस करंट है, तो सिंपल लिखिएगा वाटरलेस करंट क्या होता है, इतना हो गया भाई, देख लीजिए, द करंट विच कंज्यूम नो पावर भी, द करंट विच कंज्यूम नो पावर, टॉपिक का नाम बनाइएगा क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ एसी, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ एसी ओवर डीसी भी, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ ए सी ओवर डी सी, आप लोगों ने पढ़ लिया अभी, सारी पढ़ ली, तो तीन मिनट खत्म हो गई भाई, सीधी सी बात ये है, एक फोर्थ सी बची हुई है, उसके दो टॉपिक हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दिन में हो जाएंगे भाई, ठीक है, पूरी कर ए सी पढ़ लिया भाई, तीन मिनट तक डी सी पढ़ते आए हैं, क्या लगता है जो ड्रॉबैक ए सी का वो डी सी का एडवांटेजेज है भाई, उल्टा बोल सकते हो, यस सर ना,
अगर मैं एसी की एडवांटेज पर रहा हूं तो डीसी की ड्रॉबैक्स है भी सॉरी सही है। तो पहला पॉइंट डालिए एडवांटेजेस का भी, एडवांटेजेस लिखिए अच्छा क्यों भी पहला पॉइंट क्लास। सबसे अच्छी बात एसी को लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है। अभी देख लीजिए पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन। इट को ना एसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन भी। ऐसा क्यों? इसमें पावर लॉस कम होते हैं। इट इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन। इमेजिन करो आपके पास डीसी ना हो तो क्या होगा, आपके हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद पावर लॉस लगे होंगे जहां पर बैटरी रखी होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि डीसी का सोर्स क्या है? बैटरीज होंगी। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा? वो इलेक्ट्रिक में चेंज करेगा, वो सारी डीसी है भी। कर लोगे तो हर छोटे छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर क्या लगे होंगे? पावर हाउस लगे होंगे जहाँ पे बैटरीज लगी हुई होंगी, जहाँ से डीसी जनरेट हो रही होगी भी। कर लोगे तो उसको लॉन्ग के लिए पॉसिबल नहीं था। सेकेंड पॉइंट डालिएगा, देख लीजिए, वी कैन ईजिली कन्वर्ट एसी इंटू डीसी भी। We can easily convert AC into DC. AC को easily convert किया जा सकता है DC में, हमने करके देखा भी है। Yes or no? तो जहाँ मेरे को DC जो तो पड़ेगा वहाँ पर उसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट डालिएगा थर्ड पॉइंट, We can easily change the magnitude of AC भी। We can easily change the magnitude of AC. AC का magnitude हम easily change कर सकते हैं भी by using transformer. Okay? और DC में कर नहीं सकते। कर लोगे भाई? Next point डालिए। लिखिए AC is more cheaper. CHEAPER खतरनाक से सुन लेते मेरे से यार। CHEAPER AC इज मोर चीपर एंड इजी टू प्रोड्यूस। AC इज मोर चीपर एंड इजी टू प्रोड्यूस, उसको बनाना आसान है, बताऊंगा बाय यूजिंग रेसिजरेटर। ये चारों पॉइंट डीसी की ड्रॉबैक्स क्लास, पता चल गया होगा इस बात का। अब जो ड्रॉबैक्स इसकी कर रहा हूँ तो एसी के एडवांटेजेस हैं। ड्रॉबैक्स लिखिए पहला पॉइंट भाई, AC is more dangerous than DC. आपको पता है पीक और उनमें फर्क होता है अभी RMS में। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, लिखिए We can store DC. हम DC को स्टोर कर सकते हैं इन चार्जेबल सेल भी, जो बैटरीज भी। गर्म ये तो कर रहे हैं लोग, किस टर्म में? इन टर्म ऑफ केमिकल एनर्जी भाई। सेल के बारे में पढ़ा, दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स भी। सेकेंडरी सेल्स चार्जेबल होते हैं, वापस कर सकते हैं वो कन्वर्ट्स। कर लोगे? AC को स्टोर नहीं किया जा सकता क्लास, इसलिए मुश्किल है। अरे रखा इलेक्ट्रोलाइसिस भी, सम फिनोमेना लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस देख लोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा आर वर्कड ऑन डीसी। किस पे काम करते हैं? डीसी पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? एक मेटल्स की फाइन मेटल्स की लेयर दूसरे पे डाली जाती है। यस और नो? कभी सोच किया है? किया कभी कॉपर सल्फेट को कर सकते हो बना के, या फिर AuSO4 सॉल्यूशन डालिए AuSO4 का, ठीक है? यहाँ पे डालिए प्योर गोल्ड की 24 कैरेट्स का, बातें नहीं। और यहाँ पे डालिए जिसको आपको प्लेटिंग करना है। अब ना सोने का गोल्ड फिरते हैं ऐसे किया था, ठीक है? अब यहां पे जोड़ते हैं बैटरी के साथ भी।
तो ये पॉइंट फिक्स हो जाते हैं इनके, ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव से। और ये AuSO4 फोर दो भाग में टूटता है, Au+2 और SO4-2, ठीक है। तो ये Au+2 किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव तरफ भाग जाएगा, तो इस पर कवरिंग किसकी हो जाएगी, गोल्ड की हो जाएगी। और इसका AuSO2 का जो गोल्ड निकल गया वो ये दे देगा ऑफिस